वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो आज का टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, आज के टॉपिक में हम अपने पोटेंशियल को क्या करेंगे, सेम रखेंगे। तो मेरे पास एक ऐसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब सेम, मतलब एक ऐसा सरफेस लेंगे जहाँ के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो मैंने एक सरफेस लिया, ठीक है, मैंने एक स्पेस लिया, आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्वायर बनाया और मैंने पॉइंट लिए ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये जो पॉइंट लिए मैंने ए बी सी एंड डी, इनके हर पॉइंट पे, इस हर पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या था, सेम था। पोटेंशियल कितना था, वी था। तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम आया, तो इस ये जो सरफेस कहलाया जाएगा, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिकॉज द पोटेंशियल इज सेम ऑन एवरी पॉइंट, बिकॉज द पोटेंशियल इज सेम ऑन एवरी पॉइंट। ठीक है क्लास, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वी गो अहेड। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लास, आपके पास एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होता कैसे, कैसे बनाना है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, आपने कैसे बना दिया एक सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो क्लास देखिए, लेट सपोज आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, यू हैव अ सॉलिड स्फीयर और ये है मेरे पास सेंटर, सेंटर में चार्ज है पॉजिटिव क्यू। ठीक है, अब ये जो सेंटर में चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस बी पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस सी पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस डी पॉइंट पे, इसका पोटेंशियल इस ई पॉइंट पे और इसका पोटेंशियल इस एफ पॉइंट पे कितना होगा। इन सब पॉइंट पे जो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4πε0Q/r, क्योंकि सेंटर से इन सब पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा, r, बिकॉज दीज ऑल आर आर रेडियस ऑफ दिस सरफेस। और रेडियस क्या होता है, हमेशा रेडियस इज ऑलवेज सेम, रेडियस इज ऑलवेज सेम। ठीक है क्लास, समझ गया आपको, समझ आया। तो दिस सरफेस, ये जो सरफेस हो जाएगा ये सरफेस क्या कहलाया जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिकॉज इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है क्लास, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है ओके फाइन। सो आज हमें करना क्या है, हमें इस सरफेस का, इस सरफेस के बारे में बात करनी है। पर क्या बात करनी है, हमें इस सरफेस को रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग चार्जेस के लिए हमें इस सरफेस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सरफेस। ठीक है, एंड सेकेंड चीज जो मुझे करनी है, मुझे इस सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, आई हैव टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो मुझे सरफेस की रिप्रेजेंटेशन एंड मुझे सरफेस की प्रॉपर्टीज की बात करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन करना। तो सबसे पहले है मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, लेट सपोज आई हैव दिस क्यू चार्ज। ठीक है, अब मुझे इस क्यू चार्ज का क्या बनाना है, मुझे इस क्यू चार्ज का एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाना है। आपको क्या ड्रॉ करके दिखाना है, मुझे इस पॉजिटिव क्यू चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो सबसे बेस्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है एक सर्कल। तो मैं क्या करूंगी, इसके आसपास एक सर्कल ड्रॉ करने शुरू कर दूंगी। क्या करूंगी, मैं इस चार्ज के आसपास कुछ सर्कल ड्रॉ करने शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ करने शुरू कर दिए, आई हैव स्टार्टेड ड्रॉइंग द सर्कल्स। ठीक है, बट आप नोटिस कर रहे होंगे जो सर्कल्स पास थे इस चार्ज के, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस कम है, पर जैसे ही सर्कल दूर जाते जा रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप देखें ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दे ऑल आर अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, इन सबके ऊपर पोटेंशियल होगा और इन सबके ऊपर सेम पोटेंशियल होगा। लेट्स स्टार्ट क्लास, जो सबसे पास वाला सर्कल होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। लेट्स सपोज सबसे पास वाला सर्कल है उसके ऊपर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है उसके ऊपर, 10 वोल्ट। ठीक है,
फिर उसके दूर वाला जो पोटेंशियल है उससे जो दूर वाला पोटेंशियल है उसके जो सॉरी उससे दूर वाला जो सर्कल है उसका पोटेंशियल होगा 8 वोल्ट, ठीक है। फिर उससे दूर वाला जो सर्कल है उसका पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप दूर जाते जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है एक चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज क्यू अपॉन आर। तो ये जो पोटेंशियल है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद रेडियस, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद रेडियस। तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता जाएगा आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो ये जो बड़ा जो सबसे सबसे छोटा वाला सरफेस है जो चार्ज के सबसे पास है इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो लेट्स सपोज इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो उसके हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट का, ठीक है। जैसे हम दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल हो गया लेट सपोज ये सरफेस है इस पे पोटेंशियल हो गया मेरे पास 4 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ठीक है, समझ आया। तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्या किया, हम लोगों ने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ किया, क्योंकि सर्कल्स एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे जिसके सरफेस के हर पॉइंट पे क्या होता है पोटेंशियल विल बी सेम। अच्छा, आपके बुक्स में ना कई जगह पे आपके बुक्स में क्या किया होगा, ऐसे कुछ लाइंस दिखाई होंगी। आप प्रदीप की बुक खोलोगे, एबीसी की बुक खोलोगे तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए ऐसी कुछ लाइन दिखाई होंगी। तो आपको ये लाइंस दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलता है। तो क्या किया है इन्होंने, इलेक्ट्रिकल लाइन्स भी साथ में रिप्रेजेंट कर दी है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ इन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस भी साथ में रिप्रेजेंट करती है, बट देर इज अ नो नीड टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अलॉन्ग विद द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अपना डायग्राम गंदा करने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही ड्रॉ करिए, ठीक है। ठीक है, अब क्लास अगर मेरे पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर पॉजिटिव की जगह हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज होता, इफ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, इफ आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, तब भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करते इन द सेम मैनर, ठीक है। हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते इन द सेम मैनर, बिल्कुल सेम मैनर में। जो मेरे पास सरफेस क्या है, दो सरफेस आर वेरी क्लोज, जो सरफेस बहुत पास होंगे, ठीक है, कुछ सरफेस बहुत पास है कुछ सरफेस बहुत दूर है, जिससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल क्या कर रहा है, रेडियस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस क्या इंक्रीज कर रहा है कि इन पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स जो सर्कल चार्ज के पास हैं, जो सर्कल चार्ज के पास हैं उनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो सर्कल चार्ज से दूर हैं उनका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज आई हैव अ माइनस क्यू चार्ज, तो अब ये दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, समझ आया आपको। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही सेम है, देर इज अ नो डाउट, ठीक है, क्योंकि हमें तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करना है, हमें एक ऐसा सर्फेस ड्रॉ करना है जिसके हर पॉइंट पे क्या हो, पोटेंशियल क्या हो, बिल्कुल सेम रहे, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए बिल्कुल ही सेम है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, बस आपको आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सर्फेसिस पास हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम, और जो सरफेस दूर जाते जा रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा। दैट मीन वेरिएशन जरूर शो होनी चाहिए, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये आपको अपने डायग्राम में शो करना है। जहाँ डिस्टेंस कम है, ठीक है, जहाँ डिस्टेंस कम है वहाँ पोटेंशियल क्या करना है, सर्फेसिस ज़्यादा बन रहे, पोटेंशियल सर्फेस ज़्यादा बने। इसका क्लास हमने क्या किया, हमने जब नेगेटिव चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सर्फेस रिप्रेजेंट किया तो जो सर्फेसिस बहुत क्लोज थे चार्ज के उनके बीच का डिस्टेंस कम, और जो सर्फेसिस दूर थे चार्ज से उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, ठीक है क्लास। जिससे क्या हुआ हमें हमारे पास V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये वेरिएशन शो हो गया। सो दिस वेरिएशन इज शोन बाय दैट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। व्हाट वी हैव डन, हमने जो सर्कल पास थे उनके बीच का डिस्टेंस, और जैसे ही सर्कल दूर जाते जा रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा करते गए, जिससे ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कम होता जा रहा है, ठीक है क्लास। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे क्लास अपना थर्ड रिप्रेजेंटेशन का। सो हमारा जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। सो दैट इज फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज।
ठीक है। सो अब क्लास मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, तो इक्वल का मतलब है मैग्नीट्यूड विल बी सेम, और ऑपोजिट का मतलब है देयर पोलैरिटी विल बी डिफरेंट। और इक्वल का मतलब है द मैग्नीट्यूड इज सेम एंड ऑपोजिट का मतलब है द पोलैरिटी इज डिफरेंट, ठीक है क्लास। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 2a, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 2a, ठीक है। बिकॉज ये डाइपोल हुआ है एक तरह का, तो डिस्टेंस तो 2a ही होना चाहिए। वैसे मुझे डिस्टेंस यहाँ पे कुछ लेना नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। तो आपके पास एक क्लास एक चार्ज था पॉजिटिव q और एक चार्ज था माइनस q, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी डिफरेंट। तो बीच में डिस्टेंस कितना हुआ 2a हुआ, और ये है मेरा सेंटर, ये हुआ मेरा सेंटर। तो ये डिस्टेंस हुआ a और ये डिस्टेंस हुआ मेरे पास a, ठीक है। a और a डिस्टेंस आया, तो अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव q चार्ज का जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो o पॉइंट पे सेंटर पे कितना होगा, कितना होगा 1/4πε0qa, ठीक है, पॉजिटिव q चार्ज का। और मेरे पास सेकंड चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 -qa, ठीक है। सो मेरे पास ये दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव q और नेगेटिव q, इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल सेंटर में कितना हुआ, पहले चार्ज का पोटेंशियल था 1/4πε0qa, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल था 1/4πε0 -qa। तो दोनों पोटेंशियल्स को मैंने प्लस कर दिया, दोनों पोटेंशियल्स को क्या किया मैंने प्लस कर दिया, सेंटर पे निकालना है ना, तो इस चार्ज का भी सेंटर पे पोटेंशियल निकाला और इस चार्ज का भी सेंटर पे पोटेंशियल निकाला। तो पोटेंशियल कितना आया 1/4πε0qa प्लस 1/4πε0 -qa, ठीक है। सो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस प्लस विल बी माइनस। तो ये भी पोटेंशियल और ये दोनों पोटेंशियल सेम है, तो आंसर क्या आया जीरो। दैट मीन्स इफ वी हैव अ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज तो सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा जीरो, सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा जीरो। तो इस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी रिप्रेजेंट दिस थिंग, तो हम क्या करेंगे पॉजिटिव चार्ज लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे, दोनों के ऊपर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे दोनों के ऊपर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और बट इनको सेंटर से ज्वाइन नहीं करवाया, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों को सेंटर से ज्वाइन नहीं करवाया है, सेंटर में ये छोटा सा गैप दिखाया है मैंने, छोटा सा गैप है, और बड़ा कर देती हूँ इस गैप को, छोटा सा गैप यह हमने सेंटर में क्या किया इनके गैप दिखा दिया। तो ये सेंटर में गैप का मतलब क्या है कि सेंटर में पोटेंशियल क्या है जीरो है, सेंटर में पोटेंशियल क्या है जीरो है। ये तब हुआ जब हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज था, ठीक है। बट अगर मेरे पास चार्ज, इफ द चार्ज एक दोनों ही ऑपोजिट होते बट एक बड़ा होता और एक छोटा होता, आपको याद होगा हमने थोड़े दिन पहले एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। उस न्यूमेरिकल में क्या किया था, यहाँ पे कुछ चार्ज था 3×10⁻⁸ का और यहाँ चार्ज था -2×10⁻⁸ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, चार्जेस की पोलैरिटी डिफरेंट थी, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, पर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, ये मैग्नीट्यूड में बड़ा था और ये मैग्नीट्यूड में छोटा था। तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, कैलकुलेट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कैलकुलेट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर पोटेंशियल इज जीरो। तो आपको पता है ना मैंने क्या किया था, मैंने पी पॉइंट एग्ज्यूम किया था और जब इन दोनों पॉइंट्स का मैंने डिस्टेंस निकाला था, इन दोनों इस पॉइंट का जब मैंने डिस्टेंस निकाला था इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो इसका 6 सेंटीमीटर आया था और इसका 9 सेंटीमीटर आया था। मतलब बड़े चार्ज से वो जहाँ पे वो पोटेंशियल जीरो था, बड़े चार्ज से वो पॉइंट दूर था पर छोटे चार्ज के वो पास था, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आपके पास दो चार्जेस हों, आपके पास दो चार्जेस हो, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है कम है और Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका सरफेस भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सरफेस बड़ा हो गया इसका, ठीक है। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो मेरा माइनस चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कम था तो इसका पोटेंशियल भी छोटा हो गया। तो अब क्या होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा जहाँ पोटेंशियल जीरो है वो सेकेंड चार्ज की तरफ है, वो छोटे चार्ज की तरफ है, कहाँ है वो छोटे चार्ज की तरफ है। तो आप देखिए अभी भी मैंने न्यूट्रल पॉइंट शो किया, अभी भी मैंने दोनों को ज्वाइन नहीं किया, पर अब जो पॉइंट है जो ज्वाइन नहीं किया मैंने,
जब इन दोनों चार्ज सर्फेसिस को मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो पॉइंट कहाँ है? उस चार्ज की तरफ है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? छोटा है. जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, दैट मीन्स द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स द छोटा वाला चार्ज. ठीक है, द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा. तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. आप लोगों को ये दो चीजें को क्या करना है? बीच में से ज्वाइन नहीं करना है. जब आप ज्वाइन नहीं करोगे, दैट मीन इसका इस पॉइंट पे ना तो इस चार्ज का पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे ना तो इस चार्ज का पोटेंशियल है. मतलब इस पॉइंट के ऊपर दोनों चार्जेस का पोटेंशियल नहीं है. दैट मीन्स इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है. अगर दोनों चार्जेस इक्वल होंगे तो वो पॉइंट होगा वो सेंटर में होगा दोनों चार्जेस के. पर अगर एक चार्ज बड़ा होगा और एक चार्ज छोटा होगा, तो दैट न्यूट्रल पॉइंट इज जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, वो छोटे चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अब क्लास हम बात करेंगे इक्वल चार्ज की. इक्वल एंड सेम चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम है और पोलैरिटी भी सेम है. दैट मीन्स मेरे पास एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है, दूसरे का भी क्यू है, और दोनों का पोलैरिटी भी सेम है. या तो दोनों का पोलैरिटी पॉजिटिव होगा या दोनों का पोलैरिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. लेट सपोज आई एम टेकिंग हेयर, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो सेंटर में इनका पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल इन द सेंटर? तो सेंटर में यहाँ पे डिस्टेंस ए है, सेंटर है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस ए है. दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है. सो मेरे पास क्या होगा? 1/4 πε0 q/a. ठीक है, इसका फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल आया है सेंटर पे, और सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल आया 1/4 πε0 q/a. अब सेंटर पे दो पोटेंशियल है, दोनों को प्लस कर दो. ठीक है, दोनों को प्लस करोगे तो 1/4 πε0 q/a 1/4 πε0 q/a. तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरा? 2 × 1/4 πε0 q/a. तो दैट विल बी माई टोटल पोटेंशियल. तो ये क्या हो जाएगा? मेरा टोटल पोटेंशियल ऑन द सेंटर पॉइंट. टोटल पोटेंशियल ऑन द सेंटर पॉइंट. ठीक है, तो दैट मीन्स सेंटर पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल ऐड हो रहा है. सेंटर पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल ऐड हो रहा है. तो इस चीज़ को हाउ आई विल रिप्रेजेंट, इस चीज़ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? हाउ आई कैन रिप्रेजेंट, मैं क्या करूँगी? इन दोनों चार्जेस के इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस को क्या कर दूंगी? ज्वाइन कर दूंगी. ठीक है, सेंटर से ज्वाइन कर दूंगी. दैट मीन्स सेंटर से ज्वाइन करने का मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस के पोटेंशियल क्या हो रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं. ज्वाइन होने का मतलब है दोनों चार्जेस के जो पोटेंशियल हैं वो ऐड हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं. लास्ट में आप इनको एक ही पोटेंशियल बना दें. ठीक है, क्या करें आप इन्हें? एक ही पोटेंशियल बना दें. तो पॉजिटिव चार्ज था एक तरफ, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए? सेंटर से ऐड हो गए. तो हमने दोनों के पोटेंशियल को क्या कर दिया? आपस में ज्वाइन कर दिया. ठीक है क्लास, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती हूँ. ठीक है, आई विल लेट यू नो द नेक्स्ट थिंग. सो नेक्स्ट थिंग क्या थी मेरे पास? नेक्स्ट चीज थी मेरे पास, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, पोटेंशियल सर्फेस वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म. हमें एक ऐसी जगह पे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस को रिप्रेजेंट करना है जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है. दैट मीन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम लग रही है. तो ये मेरा एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम लग रही है. तो ये ग्रीन पॉइंट से मैंने क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड रिप्रेजेंट कर दी. क्या की मैंने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया विद द ग्रीन पेन. ठीक है, सो अब मैंने क्या किया? अब इस ये जो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म था, मुझे वहां पे इक्वी पोटेंशियल सर्फेस रिप्रेजेंट करना है. सो लेट्स सपोज क्लास, मैंने ये एक सर्फेस लिया. ठीक है, इस सर्फेस को बोला मैंने इक्वी पोटेंशियल सर्फेस. ऐसा एक सर्फेस इसको मैंने क्या बोला? इक्वी पोटेंशियल सर्फेस. तो ये एक सर्फेस है, ऐसे ही इसके आगे एक सरफेस होगा, ऐसे ही इसके आगे एक सरफेस होगा. व्हाई दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्योंकि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. तो अब क्लास, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग जगह पे इस यहाँ पे क्या करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे. इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या करेंगे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, पर इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम रखेंगे.
ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या करेंगे हम, बिल्कुल ही सेम रखेंगे। तो पहला और दूसरे सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस था डी, वही दूसरे और तीसरे सरफेस के बीच में होना चाहिए, वही तीसरे और चौथे सरफेस के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास डिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आएगा, हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ये क्लास आपको मैंने ना सोचा था आपको एक डेरिवेशन करवाने के लिए, ठीक है, तो डेरिवेशन मैं इस टॉपिक के बाद करवाऊंगी आपको, बट मैं आई विल लेट यू नो अबाउट द रिलेशनशिप, मैं आपको रिलेशनशिप बता देती हूँ कि ये चीज आई कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस थिंग हैज कम, ठीक है। तो क्लास हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है जो बोलता है E is equals to minus dv upon dr। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है, अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, ये रिलेशन प्रूव करना है, ये रिलेशन की डेरिवेशन है, E is equals to minus dv upon dr, that means the electrical field is equals to the negative of change in potential upon change in radius, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट तभी आएगी जब डिस्टेंस और पोटेंशियल भी क्या होंगे, हमेशा सेम रहेंगे, इनके वैल्यूज चेंज नहीं होने चाहिए। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा, तो मुझे डिस्टेंस भी, dr क्या है, डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस भी चेंज नहीं करना है, तभी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। अगर आपने dr की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, सर्फेसिस के बीच में, अगर आपने ये चेंज कर दी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि dv क्या है यहाँ पे, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होने के कारण dv कॉन्स्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, dr क्या है मेरा डिस्टेंस, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस सेम रहेगा तभी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम रहेगी, अगर आप डिस्टेंस चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है क्लास। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू, जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म होती है वहां पे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि यहां पे डीवी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है तो वोल्टेज तो क्या है, पोटेंशियल तो क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट हो गया तो इक्वल्स टू का साइन हट जाएगा और क्या लगेगा, प्रपोर्शनल, E और dr क्या हो जाएंगे आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आपने dr का वैल्यू चेंज किया तो E की वैल्यू को इफेक्ट करने लगेगा, तो इसलिए आप dr जो डिस्टेंस है आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। और क्लास ये डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करेंगे, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, कभी कभार 2 मार्क्स में हमारे पास एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज हो रहा होता, If the electrical field is decreasing, ठीक है, तो मेरे पास अगर electrical field decrease हो रहा होता, तो let's suppose this is a surface, ठीक है, यहाँ पे electrical field क्या कर रहा है हमारे पास, decrease कर रहा है, electrical field decrease कर रहा है, electrical field decrease तभी करेगा जब distance क्या होगा उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस बार equi potential surface बनाएंगे, ठीक है, equi potential surface बनाएंगे, ये पहला surface, ये दूसरा surface, ठीक है, अब जो तीसरा सरफेस बनाऊंगी उसके बीच का डिस्टेंस और बढ़ा दिया, चौथा सरफेस बनाऊंगी उसके बीच का सरफेस और बढ़ा दूंगी, पांचवें के बीच का डिस्टेंस और बढ़ा दूंगी, क्योंकि E क्या है, E है डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, और यहाँ ये वोल्टेज मेरा कॉन्स्टेंट है, क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, कौन सा सर्फेस है ये, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर, ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू कर दे, सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा डी डबल डैश, उससे कम होगा डी डैश और उससे कम होगा डी,
डिस्टेंस क्या है सरफेसेस के बीच में बढ़ता जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा dr की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है आपको ये बात? ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है आपको कि आपके पास आपको तीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस शो करने हैं, यू हैव टू ड्रॉ अ थ्री इक्वी पोटेंशियल सरफेस, आपको तीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ थ्री इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वेयर, कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आपको, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, z डायरेक्शन में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो दिस टाइम इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इंक्रीजिंग, पिछला जो केस लिया था वहां पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज किया था, तो कॉन्सेप्ट तो यही है e इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसके बारे में अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि इसके बारे में भी मैं पूरा एक लेक्चर दूंगी आपको, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल अपॉन दिस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, तो यहाँ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करने हैं तो पोटेंशियल तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर, और हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो सर्फेसिस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, सर्फेसिस के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, तो और वो भी कहाँ, जेड डायरेक्शन के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ डिक्रीज कर रही है, जेड डायरेक्शन में, तो क्लास वैसे तो आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है, बट आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, देयर इज अ नॉट एन इशू, इस चीज में कोई भी इशू नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, सो मैं क्या, क्योंकि तीनों को सिर्फ परपेंडिकुलर बनाना होता है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस, इसको मैं जेड एक्सिस ले लेती हूँ अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको मैं y एक्सिस ले लेती हूँ और इसको मैं x एक्सिस ले लेती हूँ, तो इस z एक्शन में, इस z डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो जो मैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बनाऊंगी, ये मेरा पहला इक्वी सर्फेस, ये मेरा दूसरा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस और ये है मेरा तीसरा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, और फिर आएगा मेरे पास, ठीक है, फिर आएगा मेरे पास चौथा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, चौथा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो ये जो मेरे सरफेसेस आए, अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है, पहले डिस्टेंस डी था, अब डिस्टेंस रह गया सिर्फ डी डैश, अब रह गया डी डबल डैश, अगली बार डी ट्रिपल डैश, ठीक है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस d होगा, फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर डिस्टेंस मेरे पास d डैश, फिर उससे कम d डबल डैश और सबसे कम d ट्रिपल डैश, वैसे तीन ही सरफेस बनाने के लिए बोला था, तो चौथा सरफेस नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है, अगर तो बोला हो कि ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस जितने मर्जी बना दो, पर यहाँ पे स्पेशली थ्री मेंशन किया है, तो आई जस्ट ड्रॉ थ्री और इनके बीच में ये डिस्टेंस बनाने के बाद ये डिस्टेंस जरूर शो करिएगा कि हमने डिस्टेंस डिक्रीज कर दिया है, हमने क्या किया है, दोनों तीरों के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज किया है, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है और इसके बीच में डिस्टेंस कम कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज हो रही थी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को कम करके दिखाना था, ठीक है क्लास, तो आई होप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज टोटली क्लियर इन योर माइंड, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज, तो चार प्रॉपर्टीज में से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करना शुरू करते हैं, ठीक है क्लास, तो पहले हमारी बात करेंगे हम लोग, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी आपस में लिंक करती है, पर सबसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, सॉरी, नो वर्क इज डन, सो पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा, नो वर्क इज डन टू मूव आ चार्ज इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, in equipotential surface, so that means
दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि कोई भी वर्क डन नहीं होता है एक चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए. तो लेट्स सपोज क्लास ये मेरे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और ये है एक पॉइंट ए और ये है एक पॉइंट बी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इज नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज. एक चार्ज को कहता है एक पॉइंट से एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं लगेगा. तो इट इज ट्रू क्लास, इट इज रियली ट्रू. चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. चार्ज मूव करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पर ये तो सरफेस कौन सा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है. यहाँ पे पोटेंशियल वी होगा तो दूसरी जगह पे पोटेंशियल भी क्या होगा? वी. तो यहाँ पे तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है. जब दोनों ही पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? एक चार्ज एक जगह पे पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, एक जगह पे पोटेंशियल कम होना चाहिए. बट दीज टू पॉइंट्स आर ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस and the potential on the equipotential surface is always same. तो अगर A point पे potential B है तो B point पे कितना potential है? V. तो potential same है तो यहाँ पे कोई भी work done नहीं होगा, कोई भी work done नहीं होगा. तो इसको proof भी कर देते हैं, mathematically भी proof करते हैं. Class आपके पास potential का formula होता है, potential होता है small potential क्या होता है? Small work done upon charge. ठीक है, यही होता है small work done upon चार्ज. ठीक है, यही होता है. तो मेरे पास कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है वी ए माइनस वी बी. लिख सकते हैं ना हम लोग चेंज इन पोटेंशियल. दिस इज अ वेरी स्मॉल डी, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब वेरी वेरी स्मॉल. तो वेरी स्मॉल इन पोटेंशियल कितना चेंज आएगा ए से लेके बी तक का? ठीक है, ए से लेके बी तक का दैट इज बी डब्ल्यू अपॉन क्यू. अब आपके पास वी ए और वी बी तो सेम है बिकॉज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए और वी बी तो सेम है, तो आप क्या करोगे? वी ए की जगह वी ए और वी बी की जगह भी वी ए डाल सकते हो क्योंकि दोनों की जगह पे क्या है? पोटेंशियल सेम है. या दोनों की जगह क्या ले लो? पोटेंशियल ले लो वी और वी. तो आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा? यहाँ पे वर्क डी आएगा जीरो. तो आप चार्ज को इधर ले जाए, ठीक है, तो आपके पास वर्क डन भी क्या बन गया? वर्क डन बन गया आपके पास जीरो. दैट मीन्स नो वर्क इज डन टू मूव आ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मतलब चार्ज को ए से बी ले जाने में मेरा वर्क डन क्या आएगा? जीरो. ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? व्हाई देयर इज अ नो वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस. व्हाई देयर इज अ नो वर्क डन टू मूव अ चार्ज इन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो आपको ये एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा तो दिस कारण वर्क डन क्या हो गया है? जीरो, बिकॉज चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो चार्ज भी क्या रहेगा हमारे पास? वर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं क्लास. अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर होती है टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस. तो मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमेशा किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या रहती है? परपेंडिकुलर. दैट मीन्स अगर ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या एक्ट करेगी इसके ऊपर? परपेंडिकुलर. तो इस चीज़ को भी हमें प्रूव करवाना है क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस. ठीक है, सो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा वर्क डन के बारे में कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम सबको पता चल चुका है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर सरफेस पे वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज जीरो. वर्क डन क्या होता है? जीरो. ठीक है अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कितना मूव किया? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है Q naught E. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फोर्स आपको याद होगा ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज.
तो आपको फोर्स निकालनी है किसी भी जगह पे, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उस चार्ज से, ठीक है। अगर तो यहाँ पे चार्ज वन हो जाएगा, मेरा कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरा वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा मेरा ई डॉट डी एस, वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा ई डॉट डी एस। अगर चार्ज नहीं भी जीरो है क्लास, तो सॉरी नहीं भी वन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ देयर इज अ नो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज की कुछ वैल्यू होती, चार्ज यूनिट पॉजिटिव नहीं होता, तो लेट इट बी लाइक दिस ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे पास, ठीक है। आपको आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास वर्क डन तो जीरो है, ये वर्क डन जीरो कब आएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे वर्क डन जीरो है, पर वर्क डन जीरो आएगा कब, आप देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू क्यू नॉट, अब डॉट है, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा, डॉट हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा, और इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है तो वर्क डन जीरो है, ठीक है। तो वर्क डन जीरो कब होगा, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है तो वर्क डन जीरो है इफ, ये वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, डिस्प्लेसमेंट पे और थीटा पे, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा है इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास वर्क डन बना क्या, वर्क डन बना था क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। आप चाहो तो क्यू नॉट को वन ले सकते हो, आप चाहो तो क्यू नॉट को वन नहीं भी ले सकते, आपकी तो आपकी इच्छा है, ठीक है। बुक्स में जनरली क्यू नॉट को वन लेके हमें ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स हम डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और सरफेस पे और उनके एंगल के बीच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के एंगल के बीच में। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हो सकती वर्क डन को जीरो करने के लिए, सरफेस जीरो नहीं हो सकता, बट जो थीटा है, थीटा तो 90 हो सकता है, थीटा 90 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, जिससे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन तभी जीरो होगा हमारे पास, वर्क डन इज ओनली जीरो व्हेन थीटा इज 90। थीटा 90 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। मैं मुझे लगता है ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया। अगर आपको किसी को भी पूछा जाएगा कि वाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो थीटा को क्या लेना है आपको, आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है और वहाँ थीटा की वैल्यू को नेगेटिव लेना है। जो थीटा है वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का एंगल। तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, 90 एंगल बनाएगी, तभी वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो आई होप द सेकंड प्रॉपर्टीज इज अगेन क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, जो क्या बोलती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस से। यस, वी दे आर एब्सोल्यूटली राइट। अभी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट किया था, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है तो V क्या है, कॉन्स्टेंट, डी वी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो E इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर, और डी आर क्या है, दिस इज द स्पेस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगर अब देखिए, अगर डी आर का वैल्यू कम होगा, दैट मीन्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत पास है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर डी आर का सरफेस क्या होगा, डी आर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा,
दैट मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाएगी, दैट मींस जितने पास होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये देखिए जितने पास होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि dr की वैल्यू इन दोनों डिस्टेंस, इन दोनों सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां ज्यादा है। पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है तो वहां पे क्या होगा हमारे पास, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो क्लोजर आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लोज होने से dr की वैल्यू कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्लोजर आर द सरफेस मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ द सरफेस आर वाइड अपार्ट, सरफेस दूर दूर है, देन द वैल्यू ऑफ dr इज बिकम मोर एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकम्स डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जहां सरफेसेस दूर होंगे वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है क्लास, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्लास, द लास्ट पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही पॉइंट है। ठीक है, सो क्लास आपको एक चीज और दिखा देती हूँ मैं, देखो ये मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज था। अब देखिए ये चार्ज के पास बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है, पर जैसे चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर जाते जा रहे हैं, तो ये रीजन जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहां सरफेसेस दूर है वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो जाएगी। बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, आप पास में हैं, ठीक है, चार्ज के पास है तो सरफेसेस भी ज्यादा है, सरफेसेस ज्यादा है, मोर इज द सरफेस, दैट मीन द वैल्यू ऑफ R विल बी डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ R डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो देखो कॉन्सेप्ट हर तरह से क्लियर हो रहा है, और यहाँ सर्फेसिस दूर दूर है तो R की वैल्यू ज्यादा है, R की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो क्लोजर इज द इक्विपोटेंशियल सर्फेस मोर इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, वाइडर आर द इक्विपोटेंशियल सर्फेस लेस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज, द लास्ट पॉइंट इज नो टू इक्विपोटेंशियल इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आपने देखा मैंने इतने सारे अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए, ठीक है, इतने सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए, बट मैंने कभी भी उनको इंटरसेक्ट नहीं किया। देखो मैंने इतने ये बना रही हूँ, मैंने एक एक बनाया, दो बनाए, तीन तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, छठवां बनाया, सातवां बनाया, पर मैंने किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं दो सर्फेसिस को इंटरसेक्ट करूंगी तो एक पॉइंट पे दो सर्फेस आएंगे, दो सर्फेस मतलब दो अलग अलग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसका एक पोटेंशियल, एक सर्फेस बना, दूसरा सर्फेस बना, ये तीसरा सर्फेस बना और ये चौथा सर्फेस बना। अगर ये तीसरा और चौथा सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पी पॉइंट पे ये भी सरफेस लाई कर रहा है और ये भी सरफेस लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस तीसरे सरफेस का भी पोटेंशियल और चौथे सरफेस का भी पोटेंशियल। तो एक पॉइंट पे दो दो पोटेंशियल कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। सो अगर हमारे पास दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी आर टू डायरेक्शंस, देयर विल बी टू, सॉरी, देयर विल बी अ टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो वैल्यूज कैसे हो सकती हैं पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं लाइक आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर एक जगह से दो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल जाए तो वहां पे क्या होता है, हमने पढ़ा था एक जगह से दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल जाए तो उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शंस आ जाती हैं, दो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ जाती हैं। तो एक पॉइंट पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर सकती, सो दैट इज वाई ना तो एक पॉइंट से दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गुजरती है, ना ही एक पॉइंट से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस गुजरते हैं। ठीक है, सो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर।
सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट क्लास तो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर, ठीक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द इक्विपोटेंशियल सर्फेस, हाउ टू डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सर्फेस. आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और आपको प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, ठीक है. सो प्रॉपर्टीज के बीच में से दो को why there is a no work done in moving a test charge, ठीक है, over an equipotential surface, and why electrical field is perpendicular to equipotential surface. और एक और point निकलता है कि why not two equipotential surface intersect each other. तो ये तीन question तो हमारे कहाँ से बन गए, properties में से बन गए. और हम इसे एक question और पूछ सकते हैं, हमें represent करने को कोई भी एक charge दे देंगे, positive charge दे देंगे, negative charge दे देंगे, यहाँ एक positive, यहाँ एक negative, यहाँ दोनों positive, ठीक है. तो हमें ऐसे कुछ अलग अलग वेरियस चार्ज देके हमें दे कैन आस्क अस टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डिफाइन करना भी आना चाहिए. सो दिस इज होल अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लास, ठीक है. सो आई होप द पॉइंट, माय कॉन्सेप्ट एंड माय पॉइंट्स आर क्लियर्स टू यू, ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल नंबर. एंड क्लास थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड.